कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान और आज ये ज्ञान शौर्य गोयनका को, साक्षी गोयनका को और राजनाथ गोयनका को हो रहा है। इम्पॉसिबल, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। That's impossible. कोई नहीं पकड़। क्योंकि इन तीनों के हाथ पर हथकड़ियां लग गई हैं, पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें अपने कर्मों का फल मिलते हुए देखकर दुर्गा और नित्या की बहन पायल को इंसाफ प्राप्त होने की संतुष्टि हो गई है। लेकिन इस पूरे सीन ने साक्षी गोयनका की आंखों में आंसू जरूर ला दिए हैं, क्योंकि इसके बाद न सिर्फ इनकी लाइफ खत्म हो रही है बल्कि सीरियल भी खत्म होने वाला है। इसमें शॉकिंग क्या हो सकता है, किसी भी कहानी के अंत में ये तो होना ही है। जो जिन्होंने गलत किया है उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और सत्य की जीत होती है। इसमें शॉकिंग क्या है, ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है। साक्षी गोयनका की आंखों में आंसू लाने वाली दुर्गा ही है जिसका मकसद था शौर्य और उसके परिवार को सजा दिलवाना, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है। कहानी ने कैसे मोड़ लिया और कैसे शौर्य की सच्चाई लोगों के सामने आ गई, ये तो सीरियल में पता चलेगा। लेकिन हाँ, दुर्गा अपनी जानी दुश्मन साक्षी को कितना चाहती है ये जरूर यहाँ पता चल रहा है। तभी तो साक्षी के कंधे पर वो मौका मिलते ही किस दे देती है, उनके साथ खूब बातें और मस्ती भी करती है। वैसे मस्ती तो देव भी कर रहा है, आकाश के पीछे रहकर वो राजनाथ को चिढ़ा रहा है। तो पायल भी आज अपने बदले हुए अंदाज के साथ थोड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन ये खुशी अब ज्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि अब सीरियल अपने आखिरी चरण पर है और हर कहानी की तरह यहाँ भी सच्चाई का बोलबाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। शौर्य और उसके परिवार को सजा मिलेगी और देव दुर्गा की जीत होगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।